नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं डीजे साउंड एंड लाइट ट्रिक्स। दोस्तों हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे चैनल पर नए थे, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा लीजिए बेल के आइकन को, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन से पहले पहुंचे। तो दोस्तों आज कुछ दूसरे टॉपिक पर बात करने वाले हैं, पार्लाइट के विषय में नहीं बात करेंगे। दोस्तों नेम बोर्ड में नाम लिखने के लिए अभी भी बहुत लोगों को पता नहीं है अच्छे से, और बहुत लोगों को पता भी है। तो दोस्तों नेम बोर्ड में नाम का प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है, नाम कैसे लिखा जाता है, आइए आज हम देखें। दोस्तों ये रहा हमारा नेम बोर्ड, इसमें भी प्रोग्रामिंग किया हुआ है। तो सबसे पहले इसका प्रोग्रामिंग को डिलीट करेंगे और इसमें न्यू प्रोग्रामिंग को ऐड करेंगे, क्योंकि अभी इसमें नाम लिखा हुआ है, इस नाम को हटाना है और इसमें नया नाम लिखना है। तो देखिए दोस्तों अभी इसमें जो नाम लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें कीबोर्ड को नेम बोर्ड से कनेक्ट करना है, ये पिन के थ्रू जैक। दोस्तों हमारा कीबोर्ड नेम बोर्ड से कनेक्ट हो गया है, देखिए वायर के थ्रू। अब हम इसमें जो नाम लिखा हुआ है इसको पहले डिलीट करेंगे और उसके बाद इसमें नया नाम लिखेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला भी मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा, जिनको समझ में नहीं आएगा वो फॉर्मूला देख के भी आप कर सकते हैं। तो आइए कीबोर्ड में देखें, ये रहा कीबोर्ड का एस्केप बटन, इसको पहले प्रेस करना है एक बार, ये रुक जाएगा। अब कीबोर्ड में इंसर्ट के बटन को एक बार दबाना है, उसके बाद ये डिलीट का ऑप्शन है, इसे पूरा प्रोग्रामिंग को डिलीट कर देना है। अब इसमें नाम लिखना है दोस्तों, जैसे कि अभी देखिए हम लिखते हैं इसमें वेलकम, W E L C O M E, हो गया वेलकम। इसके बाद स्पेस दबाते हैं, एक ठो गैप हो गया। इसके बाद लिखना है, जैसे मैं अभी अपना चैनल का नाम लिखता हूँ, डीजे स्पेस साउंड स्पेस एम स्पेस एल आई एच टी लाइट स्पेस ट्री। देखिए दोस्तों ये मेरा अभी नाम इसमें प्रोग्रामिंग ऐड हो गया। अब इसके बाद हमें F1 को प्रेस करना है, ऐसे देखिएगा ये रहा F1, इसे एक बार दबाना है और इसके बाद हमें इंटर का बटन प्रेस कर देना है, ये चलना लगेगा। देखिए दोस्तों स्पेस डीजे साउंड एंड लाइट ट्रिक्स। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप इसे समझ गए होंगे बहुत ही आसानी से। और दोस्तों जिसे अभी भी समझ में नहीं आया हो, उसके लिए यहाँ स्क्रीन में अभी एक फॉर्मूला मैं दे दिया हूँ, आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। दोस्तों प्रोग्रामिंग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और जिसको कुछ पूछना हो वो हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।